मुझे सब पता है। कॉलेज ना जाकर के अपने उस यार अजय से मिलने जाती है। तो प्लान बी का यूज करो ना। जी नहीं, मेरा कभी कोई बॉयफ्रेंड नहीं रहा अभी से। मुझे कभी कांटेक्ट करने की कोशिश मत करना। शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। कम से कम टोस्ट तो खा के जा। मम्मा बहुत लेट हो रहा है, कॉलेज में खा लूंगी। किम बेटा? अरे मम्मा पक्का कुछ खा लूंगी। ओके बाय। रुक जाओ उर्मी। तुम कहीं नहीं जाओगी। भैया बाद में ना पक्का डांट लेना, अभी कॉलेज जाना बहुत जरूरी है। अगर अटेंडेंस पूरी नहीं हुई ना तो एग्जाम में नहीं बैठने देंगे। झूठ बोलते तुझे शर्म नहीं आती? मुझे सब पता है। कॉलेज ना जाकर के अपने उस यार अजय से मिलने जाती है। कॉलेज से फोन आया था तेरे, काफी दिनों से तू कॉलेज नहीं गई है। हाँ मैं दुकान जा रहा हूँ, और हाँ इसका ध्यान रखना, ठीक है? उर्मी दरवाजा खोल दे। कुरियर मैम। अच्छा तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हारे दीदार नहीं, वैसे तुम्हारा दीदार करने के लिए आए। तुम पागल हो, कोई देख लेगा ना तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। मुझे फर्क नहीं पड़ता। कौन है उर्मी? मामा कुछ नहीं, कोरियर है। तुम प्लीज जाओ यहाँ से, कोई देख लेगा ना। अरे यार मुझे तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना है। नहीं मिल सकती, भैया घर पे उनको सब पता चल गया है। तो प्लान बी का यूज करो ना। प्लान बी? हेलो बेबी, कैसी है? आखिरकार तुझे बॉयफ्रेंड से फुर्सत मिल ही गई ना? अरे यार पूछ मत। क्या हुआ उर्मी, सब ठीक तो है ना? नहीं यार, भैया को सब पता चल गया है कि मैं कॉलेज बंक करके अजय से मिलती हूँ। ओह गॉड, अब क्या होगा? तेरी हेल्प चाहिए थी यार। नहीं बाबा नहीं, अब मुझसे और कोई झूठ मत बुलवाना। अरे तो प्यार करने वालों को मिलवाना तो पुण्य का काम होता है। प्लीज यार हेल्प कर दे प्लीज। ठीक है उर्मी, अगर तू इतनी परेशान है तो मैं तेरी मदद करने के लिए तैयार हूँ। बता क्या करना होगा मुझे? ऋतु इतनी बेशरम निकली है, पूरा महीना कॉलेज नहीं गई और घर पर झूठ बोलकर निकलती थी।
आंटी दरअसल बात ऐसी है कि हम लोग कभी फर्स्ट पीरियड अटेंड ही नहीं करते थे। उस टाइम मैं और उर्मी मेरे घर पे असाइनमेंट की तैयारी करते थे और इसलिए हमारी अटेंडेंस शॉर्ट हो गई और कॉलेज से भैया को फोन आ गया। हम लोग हमेशा सेकंड पीरियड से ही कॉलेज अटेंड करते हैं। सच? और क्या मम्मी, मैं अपने भविष्य के साथ ऐसा मजाक क्यों करूंगी? प्लीज भैया को समझाओ ना। चलो ये सुनकर तो मुझे राहत आई कि तू कॉलेज अटेंड करती थी। विपिन से मैं बात करती हूँ। आंटी, मैंने आपको बताया था ना कि एग्जाम के लिए हम लोग असाइनमेंट की तैयारी कर रहे हैं, तो क्या उर्मी मेरे घर पर आके असाइनमेंट की तैयारी कर सकती है? लेकिन बेटा, उसके लिए ना मुझे विपिन से बात करनी होगी, ना वो नाराज हो जाएगा। मम्मी, अगले हफ्ते असाइनमेंट सबमिट करना है, अभी बहुत काम बाकी है, थोड़ा तो भरोसा दिखाओ। ठीक है, फिर एक काम कर, तू अभी जा और 2 घंटे में वापस आ। पक्का पक्का, थैंक यू मम्मी। अजित, तुम? अरे कुछ तो शर्म करो तुम दोनों। अब तो कबाब में हड्डी मत बन। अच्छा, भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा। अच्छा सुन, मैं बस थोड़ी देर में आती हूँ। रितु जी, दरवाजा अच्छे से बंद कर दो। आपको कॉल बैक करता हूँ। माँ, जल्दी से खाना लगा दो, भूख लगी है। आ गया बेटा? हाँ, अभी लगाती हूँ। माँ, उर्मी कहाँ है? बताती हूँ, लेकिन तू वादा कर नाराज नहीं होगा। क्या हुआ माँ? मतलब उर्मी घर में नहीं है? अरे बेटा, जैसा तू सोच रहा है ना, वैसी बात नहीं है। वो पूरा महीना उसने कॉलेज अटेंड किया है, बस वो क्या कहते हैं, पहला पीरियड मिस करती थी। माँ, मैंने पूछा उर्मी कहाँ गई। रितु के घर गई है, कुछ वो बहुत जरूरी कॉलेज का क्या कहते हैं उसे, असाइनमेंट बोल रही थी करना है। माँ तुम भी ना। अरे विपिन सुन तो। पता है कल क्या? कैसे भूल सकती हूँ, कल हमारी 5th एनिवर्सरी है। यार मैं सोच रहा हूँ कब तक हम ऐसे चुप चुप के मिलते रहेंगे, शादी कर लेते हैं। शादी? तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया ना? और मैं एक खुशहाल शादी के लिए प्यार का होना जरूरी होता है। ये सब फिल्मी लाइंस हैं। कोई एक अच्छी सी नौकरी क्यों नहीं ढूंढ लेते? और तो ग्रेजुएट भी नहीं हूं। तुम्हें पता है, मैंने अपनी पढ़ाई इसलिए छोड़ी थी ताकि मैं तुम्हें खुश रख सकूं। छोटी मोटी नौकरी करने लग गया ताकि मैं तुम्हारे खर्चों को अफोर्ड कर सकूं। और आज तुम मुझे सुना रही हो कि मैं तुम्हारे लायक नहीं हूं। I'm sorry जान, तुम्हें तो पता है ना मैं गुस्से में कभी कभी कुछ भी बोल देती हूँ। प्लीज मुझे माफ कर दो, प्लीज। It's okay. और जहाँ तक हमारी शादी की बात है, तो एक बार मेरे एग्जाम्स खत्म हो जाए, उसके बाद हम इस बारे में बात करेंगे।
उर्मी कहाँ है? अरे विपिन भैया, आप यहाँ? मैंने तुमसे पूछा, उसका जवाब दो, उर्मी कहाँ है? वो मेरे घर पर है, असाइनमेंट बना रही है। और तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं हम दोनों के लिए कुछ खाने का सामान लेने आई थी। एक शब्द भी मत बोलना, समझी? हेलो रितु, मैं और अजय निकल रहे हैं और घर की चाबी शूरा के नीचे रख दी है, ठीक है? चलो के बाय। अच्छा, तो ये सब हो रहा है? विपिन भैया, सॉरी, नहीं चल सकते क्या? मेरी गलती है, मैं फोन पे बात करता हुआ जा रहा था, पता ही नहीं चला कब सामने से आ गई। I'm so sorry। वो गलती मेरी भी है, मैं भी इतना जल्दी में थी कि ध्यान ही नहीं दिया। आपको चोट तो नहीं लगी? Yeah, I'm fine. You sure? Yes. चलती हूँ। Excuse me. Bye. Bye. Take care. बदतमीज लड़की, घर की इज्जत को मिट्टी में मिलाने चली है। क्या हुआ विपिन? माँ, आप बीच में कुछ नहीं बोलेंगी, आपके ही लाड प्यार ने इसे ना चौपट करके रख दिया है। लेकिन बेटा कुछ तो बता, हुआ क्या है? हाँ, मुझे तो शर्म आती है कि अपनी दोस्त रितु के घर गई थी उस अजय अपने यार से मिलने के लिए। बहुत हो गया, मैं भी देखता हूं तुम कैसे उस लफंगे से शादी करती हो। आपको क्या लगता है ये सब करके आप मुझे डरा लेंगे? क्या बोली? मैं आपकी गुलाम नहीं हूं भैया, जहां मन करेगा वहां जाऊंगी, जिससे मिलने का मन करेगा उससे मिलूंगी, और आप मुझे नहीं रोक सकते। बदतमीज। नहीं विपिन, नहीं, सयानी लड़की ऐसे हाथ नहीं उठाते ना। माँ, शयानी है? उर्मी, एक बात कान खोल के सुन लो, तुम्हारी शादी उस लफंगे से हरगिज नहीं होने दूंगा। और मैंने कल मैरिज ब्यूरो में बात की है, एक फैमिली आ रही है तुम्हें देखने के लिए, चुपचाप तैयार होकर के आ जाना, समझी? और हाँ, अगर कुछ भी किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा।
राजा तुम मरवाओगी क्या? आराम से। पर तुम यहाँ कैसे आए? रितु कह रही थी कि उसने तुम्हारे भाई से डर कर हमारे बारे में सब कुछ बोल दिया। पता है रिया ने मुझ पर हाथ उठाया और मेरा फोन भी तोड़ दिया। ओ इसी नाचीज अपनी मल्लिका के लिए ये नजराना लेकर आया। थैंक यू जान। तुम्हें पता है मुझे देखने लड़के वाले आ रहे हैं। लेकिन मैंने जो तुमसे बात कही थी वो भी तो हो सकती है ना। कौन सी बात? शादी की बात। सिर्फ तुम्हारी हाँ करने की देर है बस। भैया ना हमें मार डालेंगे। देखो मैंने सब सेट कर दिया है, सब कुछ सही हो जाएगा और साले साहब हमें छू भी नहीं पाएंगे। चुप। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? साहब मैं आपके एरिया का चौकीदार बोल रहा हूँ। मैं कब से आपको फोन लगा रहा हूँ लेकिन आप फोन नहीं उठा रहे हैं। क्या हुआ? मैंने थोड़ी देर पहले आपके घर के अंदर एक आदमी को जाते हुए देखा है। क्या? हाँ साहब। कहाँ गया वो? क्या हुआ भैया? कौन कौन कहाँ गया? चुप, एक शब्द भी मत बोलना। वो आ जाए। कहाँ गया? मैं छोड़ूंगा नहीं। वो यहाँ क्यों होगा भैया? भरोसा नहीं है ना? यही अहमियत है आपकी मेरी नजरों में? उर्मी तुमने मेरा भरोसा तोड़ा है। मुझे तुम पे कोई विश्वास नहीं है, समझी? देखा भैया कोई भी नहीं है।
हाँ बोलो। मैं तुम्हारे घर के पीछे वाली रोड पे इंतजार कर रहा हूँ, थोड़ा जल्दी आना। ओके आती हूँ। ठीक है। उर्मी जी। भैया लड़की वाले आ गए। आती हूँ। आओ बेटा बैठो। और उर्मी बेटा ये बताओ आपकी पढ़ाई कहाँ तक हुई? वो अंकल पहले तो मैं कंप्यूटर्स पढ़ रही थी लेकिन पढ़ाई में मेरा बिल्कुल ध्यान नहीं लगता तो बीए करने लगी। वो दरअसल मैं बीच टर्म में इसने तबीयत खराब हो गई थी इसलिए इसने बीए ले लिया। वैसे खाना वाना बनाना तो आता है? नहीं आंटी, रोटी जल जाती है और सब्जी या तो एकदम फीकी बनती है या एकदम तीखी। अरे बहन जी, ऋषभ कहाँ रह गया? ऋषभ कार पार्क कर रहा था बस। साथ लो, ऋषभ भी आ गया। देख के नहीं चल सकते क्या? वो आंटी मेरी किचन वाली बात एक्चुअली अधूरी रह गई थी। बचपन से ज्यादा किचन में नहीं गई ना तो किचन के कामों में ज्यादा पक्की नहीं हो पाई, पर अब मम्मी मुझे सब सिखा रही हैं और धीरे धीरे पूरी तरह से पक्की भी हो जाऊंगी। कोई बात नहीं बेटा, घर गृहस्थी के काम धीरे धीरे ही समझ आते हैं। अच्छा ऋषभ, कुछ अपने बारे में बताओ। जी वो मैं बैंगलोर में रहता हूँ और एक सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करता हूँ और लगभग 2-2.5 महीने के बाद US शिफ्ट हो जाऊंगा। वेरी गुड। इसलिए हम इसकी जल्दी से जल्दी शादी करवाना चाहते हैं, कहीं वहां जाकर कोई गोरी ना ले आए। वैसे अगर आपकी इजाजत हो तो ऋषभ उर्मी से कुछ अकेले में बात करना चाहेगा। हाँ हाँ क्यों नहीं, जाओ बेटा जाओ। अरे आप लीजिए ना। लीजिए लीजिए। जी बैठिए ना। थैंक यू। वो मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। कहिए ना। दरअसल मेरी मम्मी ने कल ही मुझे आपकी तस्वीर दिखाई और मुझे पसंद भी आ गई। हाँ एक और बात कि मैं पास से ही गुजर रहा था तो सोचा कि आपके घर से होता हुआ निकलूँ इस उम्मीद में कि कहीं आप दिख जाओ। और यकीन मानिए आप इसे खुशकिस्मती ही समझेंगे कि जिस लड़की को मैं ढूंढ रहा था मैं उससे टकरा गया। दुनिया बहुत छोटी है ना। जी हाँ। अच्छा हाँ मैं एक और बात आपसे कहना चाहता हूँ। बोलिए। वो कॉलेज में मेरी एक गर्लफ्रेंड थी और हम दोनों शादी भी करना चाहते थे लेकिन हालात ऐसे बने कि हमारा ब्रेकअप हो गया। हाँ लेकिन इस बात को 1 साल हो गया। मुझे आपके अतीत से कुछ लेना देना नहीं है। हाँ लेकिन मेरा ये मानना है कि पति पत्नी के पवित्र रिश्ते की शुरुआत ईमानदारी से होनी चाहिए। सोच बहुत अच्छी है आपकी,
एनीवेज मैंने तो अपने बारे में सब कुछ आपको बता दिया। आपका कोई लव अफेयर या कोई बॉयफ्रेंड रहा हो? क्या तुम उसे शादी करोगे? जी नहीं, मेरा कभी कोई बॉयफ्रेंड नहीं रहा। वो मम्मी ने हमेशा मुझे मेरी हदों में ही रहना सिखाया, जिससे मैं अपना तन और मन सिर्फ अपने जीवन साथी को समर्पित कर सकूं। वाओ, व्हाट अ थॉट। सीरियसली वेरी क्या हुआ? गले में कुछ पानी लेके आते हैं। मेरी फ्रेंड अनामिका। हाँ, आप बात कर लो। एक्चुअली उसको पता है कि आप मुझे देखने आए हुए हैं, तो क्या हुआ जानने के लिए फोन कर रही है। ओह, मुझे लगता है फिर तो आपको अनामिका से जरूर बात करनी चाहिए। अरे, मुझे भी तो पता चले कि आप मेरे बारे में क्या सोचती हैं। उर्मी बेटा, आज चाय तैयार है। आप चलिए, मैं आती हूँ। जी आशु, मैं डोर के बाहर इंतजार करता हूँ। जी ओके। हाँ बोलो। हेलो उर्मी, कहाँ हो तुम यार? मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। आज का प्लान कैंसिल करना पड़ेगा, भैया को शक हो गया है। अरे देखो, मैंने सारे अरेंजमेंट्स कर लिए हैं, बस तुम यहाँ पर आ जाओ ना, पीछे वाली रोड पे। अभी नहीं आ सकती। अच्छा, भैया बुला रहे हैं, मुझे जाना पड़ेगा, अब बाद में बात करती हूँ। और कॉल मत करना। हाँ ओके, बाय। अरे मेरी बात तो सुनो। ऋषभ बेटा, कैसी लगी हमारी उर्मी? जी वैसे तो किसी को एक मुलाकात में जानना मुमकिन तो नहीं है, इसलिए मैं सोच रहा था कि अगर आप लोगों की इजाजत हो तो मैं और उर्मी थोड़ा टाइम और साथ में बिताना चाहेंगे। क्यों नहीं, आखिर तुम लोगों के भविष्य का सवाल है। बिल्कुल। थैंक यू। ठीक है फिर मम्मी पापा। चलिए नमस्ते। देख उर्मी, अब तू कोई भी ऐसी ऐसी हरकत नहीं करेगी जिससे हमारी इज्जत पर बनाए। मम्मी आप ऐसी बातें क्यों कर रही हो? क्योंकि बेटा, तूने हमारा भरोसा तोड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। सच बताओ मम्मी, तो कल रात मैंने हर चीज के बारे में बहुत अच्छे से सोचा। मैं भले ही जिद्दी हूँ, मुंहफट हूँ, पर कभी आप लोग का दिल नहीं तोड़ सकती। आप लोगों ने बचपन से मुझे इतने नाजों से पाला, दुनिया की हर खुशी दी। अब मैंने फैसला किया है, आप जो कहेंगे मैं वो करूंगी। सच बेटा, मैं बता नहीं सकती, ये बात सुनकर मुझे कितना सुकून मिल रहा है। मेरे प्यारे बच्चे, थैंक यू। थैंक यू क्यों? वो मुझसे मिलने के लिए। आप भी ना। वैसे
सच बताऊं तो मैं भी कल से आपसे ही मिलने का इंतजार कर रही थी। सच? तो आपका हमारे रिश्ते के बारे में क्या ख्याल है? उर्मी, मेरी तरफ से हाँ है। और तुम्हारा क्या जवाब है? तो मैं तुम्हारी इस मुस्कुराहट और शर्माहट को हाँ समझूं ना? वो I'm so happy। मैं ये कह रहा था, अरे मम्मी का फोन है, शायद वो भी तुम्हारा जवाब जानना चाहती है। मैं ये कुछ खबर उनको देकर आता हूँ। हेलो, हाँ मम्मी, हाँ हाँ मेरी बात हो गई। हाँ अजय, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या नाटक कर रही तुम? क्या मतलब है तुम्हारा? मैंने अपनी आंखों से देखा है, समझी? अजय, ये नाटक करना मेरी मजबूरी है और जब तक मेरे एग्जाम्स नहीं हो जाते मुझे ये करना पड़ेगा। मैं नहीं मानता। अजय प्लीज मेरी बात को समझो, अगर मैंने ये सब नहीं किया तो भैया मुझे एग्जाम्स नहीं देने देंगे और मेरी सारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी, सब बर्बाद हो जाएगा। सच कह रही हो तुम? प्लीज मेरा यकीन करो और फिलहाल जाओ यहाँ से, वरना मैं मारी जाऊंगी। उर्मी, तुम यहाँ झाड़ियों में क्या कर रही थी? वो मैं आपके लिए फूल लेने गई थी। ओह, थैंक यू, यू आर सो स्वीट। मैं क्या कह रहा था कि हमें अपना फैसला कल ही घर वालों को बता देना चाहिए ताकि वो शादी की बात को आगे बढ़ा सके। हाँ, आई लव यू उर्मी। आ गए आप? हेलो, बधाई हो बहन जी। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि इतना जल्दी सब कुछ हो गया। हाँ बहन जी, ये सब तो संजोग की बात होती है। सही कह रही हैं आप। वैसे आगे का क्या प्लान है? एक मिनट। आंटी जी नमस्ते। आंटी जी, नेक काम में देरी नहीं करते हैं, क्यों ना कल उर्मी और ऋषभ की एंगेजमेंट कर दे। हाँ क्यों नहीं, आप लोग टाइमिंग बता दीजिएगा, हम लोग आ जाएंगे। ठीक है आंटी, मैं आपको समय बताता हूँ। ओके आंटी, नमस्ते आंटी। उसने हाँ कर दी, अच्छी बात। पांच साल से तुमने मेरी जिंदगी में खुशियां बरती थी, लेकिन आज मुझे ऐसा लगा कि तुम मुझसे मिलकर खुश नहीं थी। अजय, ये नाटक करना मेरी मजबूरी है और जब तक मेरे एग्जाम्स नहीं हो जाते मुझे ये करना पड़ेगा। तुम्हें देखकर ऐसा लगा अभी उर्मी से नहीं मिल रहा,
में किसी अनजान लड़की से मिल रहा हूँ। मैं तुम्हारे बारे में क्या क्या सोच रहा हूँ यार, उसके ऊपर भी तो अपने भाई का प्रेशर है ना ऑलरेडी। मुझे तुम पर भरोसा करना चाहिए और आज उर्मी को इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। आई ट्रस्ट यू उर्मी, आई ट्रस्ट यू। उर्मी ये सब क्या चल रहा है, तुम दो दिनों से मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही हो? वो मैं थोड़ा बिजी थी। पर बाहर आंटी ने बताया कि कल तुम्हारी एंगेजमेंट है, पर तुमने मुझे बताना तक जरूरी नहीं समझा उर्मी। सब इतना जल्दी हो गया कि क्या बताऊं? क्या विपिन ने तुम पर किसी तरीके का दबाव डाला है उर्मी? अरे नहीं रितु, सच बताओ कि मैंने अब लाइफ में सेटल होने का सोच लिया है और उनका नाम ऋषभ है। ऋषभ में वो सारी बातें हैं जो मैं अपने जीवन साथी में ढूंढती थी। तुम होश में तो हो? कल तक तो तुम अजय के प्यार में पागल थी। मैंने महसूस किया कि भैया सही कहते थे, अजय के साथ मेरा कोई भविष्य नहीं है। हाँ माना कि हमने 5 साल साथ बिताए हैं और हमने कुछ खूबसूरत लम्हे भी साथ गुजारे, लेकिन वो मेरा भविष्य नहीं हो सकता और वो तो पढ़ा लिखा भी नहीं है। अच्छा हुआ अर्मी तुमने सब कुछ सच सच बता दिया। अजय तुम्हें तुम्हारा जवाब मिल गया होगा। यहाँ आने से पहले अजय का फोन आया था, उसने मुझे बताया कि कुछ दिनों से तुम अजीब सा बिहेव कर रही हो। वो जानना चाहता है कि तुम क्या सोच रही हो उर्मी, क्या करना चाहती हो। इसलिए मैंने यहाँ आने से पहले अजय को फोन किया था। तुमने ना मेरा काम आसान कर दिया। और अजय तुम भी सुन लो कि आज से और अभी से मुझे कभी कांटेक्ट करने की कोशिश मत करना। देखो ऐसा कुछ मत करना। अजय मैं तुम्हें काफी समय से सच बताना चाह रही थी। देखो मैं तुम्हें बहुत खुश रखूंगा, मैं सच कह रहा हूँ, प्लीज ट्रस्ट मी प्लीज। अजय मेरी बात ध्यान से सुनो, मैंने अपना मन बना लिया है। मैं आज से और अभी से तुमसे अपने सारे रिश्ते खत्म करती हूँ। आज के बाद मेरे सामने आने की और मुझसे बात करने की कोशिश भी मत करना। उर्मी, उर्मी, लिसन, उर्मी। और ये बात तुम पे भी लागू होती है। आज से मैं तुमसे अपनी दोस्ती खत्म करती हूँ रितु। उर्मी तुमने बहुत ही अच्छा फैसला लिया है। थैंक यू भैया। मुझे तुम पे नाज़ है उर्मी। माँ देखो ना ये इयररिंग कैसा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन मेरे पास कुछ ऐसा है जिससे इस पर 4 चांद लग जाएगा। वाह मम्मी ये तो बहुत प्यारा है। बेटा ये हार मेरी माँ ने मुझे दिया था और आज से ये तुम्हारा है। सच्ची? You're the best mom। और आज मेरी बच्ची भी कितनी प्यारी लग रही है, किसी की नजर ना लगे। मुझे लगता है पार्लर वाली आई है, मैं अभी देख के आती हूँ। ठीक।
अच्छा नहीं किया उर्मी। मैंने तुम्हें कहा था ना कि मुझसे दूर रहना। हमारा रिश्ता तोड़ने से पहले तुमने एक बार हमारे वादों के बारे में सोचा जो हम दोनों ने एक दूसरे के साथ लिए थे? तुमने मेरी जिंदगी पर बात कर दी है। तुमने मेरी जिंदगी पर बात कर दिया उर्मी, समझे? तुमने मेरी जिंदगी पर बात। तेरी हिम्मत कैसे हुई इस घर में आने की? हाँ, कैसे हिम्मत हुई तेरी इस घर में आने की? तुमने मेरी जिंदगी पर बात कर दी उर्मी, समझे? तुमने मेरी जिंदगी, तुमने मेरी जिंदगी पर बात करी। मेरी जिंदगी पे तूने इस घर में आके अपनी जिंदगी की आखिरी गलती करी है, समझा? बोला था ना तुझे मेरी बहन से दूर रह, बोला था ना? जिंदगी बोला था ना मेरी बहन से दूर रह। ये बात कान खोल के सुन ले, मेरी बहन से दूर रह नहीं तेरी लाश ही मिलेगी। Damn it, darling!